अब तक 473 पीपल रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल कंफर्म संख्या अगर हम देखें तो देश में 5,734 कंफर्म केसेज आए हैं एंड लास्ट डे से अब तक 549 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 166 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 17 डेथ सिंस वन डे सिंस यस्टरडे हैव बीन रिपोर्टेड। हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट और सेंट्रल स्टेट की सपोर्ट करने के लिए हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम्स भी कुछ नॉमिनेट की हैं, जो कि स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान, हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस और वेंटिलेटर मैनेजमेंट में उनके साथ स्टेट्स से कोऑर्डिनेट करेंगी। ऐसी 10 टीम बनाकर 9 राज्यों में भेजा गया है, जिसमें बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और यूपी स्टेट्स हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2 CSIR लैब्स, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली ने मिलकर COVID-19 वायरस के एवोल्यूशन को समझने के लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के इस एफर्ट में सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और उसके तहत ही डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवे हमारे एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर रहा है। रेलवेज ने इस चैलेंज से निमटने के लिए 2,500 से अधिक डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक स्टाफ को भी कोऑर्डिनेट करके ईयरमार्क करके डिप्लॉय किया है। उनकी चेन ऑफ 586 हेल्थ यूनिट्स, 45 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, 56 डिविजनल हॉस्पिटल्स, 8 प्रोडक्शन यूनिट हॉस्पिटल्स और 16 जोनल हॉस्पिटल्स के तहत वह उनका फैसिलिटीज का सिग्निफिकेंट पोर्शन COVID-19 से निमटने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ ही रेलवेज के लेवल पर 80,000 आइसोलेशन बेड्स बनाने के तहत 5,000 कोचेज वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 3,250 कोचेज अब तक कन्वर्ट की जा चुकी हैं। इसेंशियल कॉमोडिटीज को जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि देशव्यापी उसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रू ओपन मार्केट स्कीम डायरेक्टली अब सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके तहत कि ये NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अपने फिलेंथ्रॉफिक कार्यों के लिए गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमारे कैंप चल रहे हैं वहाँ पर वह जल्दी से फूड रेशन खरीद कर वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया है, हर जिलों में हर फील्ड लेवल पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। उसके तहत कल कुछ जिलों के बारे में मैंने बताया था, आज भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट ए फैमिली प्रोग्राम के तहत करनाल डिस्ट्रिक्ट के उद्योगपति, विदेश में रहने वाले लोगों ने डोनेशंस के द्वारा करनाल डिस्ट्रिक्ट के जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको अडॉप्ट करके उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके तहत 64 लाख रुपीज का योगदान देते हुए 13,000 गरीब फैमिलियों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। वल्नरेबल ग्रुप्स को जिला स्थाई पर 90,000 मील्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन को ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड करनाल लाइव ट्रैकर जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, साथ ही एक ऑनलाइन लोकल डिलीवरी एप्लीकेशन नीड ऑन व्हील्स, इसके द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वेजिटेबल, फ्रूट्स, होलसेलर्स और डेयरी से संबंधित एक्टिविटीज को भी फैसिलिटेट कर रहा है। इसी तरीके से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में भी होटल्स को इस्तेमाल करके कैसे क्वारंटाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर भी प्रयास चल रहा है। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि PPE मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जैसे कि उसमें ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस देश में PPEs के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। 1.7 करोड़ PPEs के अब तक ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं और जिसके तहत सप्लाईज भी आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 49,000 वेंटिलेटर्स के भी ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके तहत कि हम हॉटस्पॉट्स या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में हैं वहाँ पर हम लैब सैंपल्स को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। इसके साथ ही एक मुख्य अंश भी उस चर्चा में आया जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा और आपके थ्रू मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक यह जो फीलिंग सिस्टम में क्रिएट हो रही है कि PPE नहीं है, जो उस टाइप का एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा है, उसमें हमें समझना चाहिए कि PPE हर लोगों को नहीं चाहिए।
इसके लिए रैशनलाइजेशन ऑफ पीपी गाइडलाइंस हम इससे पहले भी इशू कर चुके हैं और आपके द्वारा मैं फिर सब लोगों को कहना चाहूंगा, जागरूकता की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे पास इनसफिशियंट क्वांटिटीज में पीपीज हो या सफिशियंट हो, उससे भी जरूरी एक अंश जो होता है वह होता है कि जो भी चीज जहां जरूरत हो उसका वहां इस्तेमाल किया जाए। इसी के तहत हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वाइल हमारे पास सफिशियंट स्टॉक्स अवेलेबल है और ऑगमेंट करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फील्ड लेवल पर पीपीज का इस्तेमाल उसके प्रोसेस के हिसाब से किया जाए। पीपीज को रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि काइंडली हमारी गाइडलाइंस को हमारी वेबसाइट पर समझें। हमने डिफाइन किया है कि पीपीज जहां भी यूज होते हैं वह तीन तरीके से, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क पर्टिकुलर जोन्स होती हैं जहां पर पीपीज का इस्तेमाल होना चाहिए। पीपी मैं फिर आप लोगों के द्वारा बताना चाहूंगा, पीपी इज नॉट ओनली कवर ऑल, पीपी इज मिक्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवर ऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कॉम्पोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहां पर हमारा हाई रिस्क होता है वहां पर पूरा कॉम्पोनेंट यूज होते हैं, बाकी जहां पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहां पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशियंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्रायजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहां पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशियंट हैं, केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज में, केवल जहां पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहां पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीई की जरूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भय ना रखें, सफिशियंट क्वांटिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफोर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है, मैं इससे पहले बता चुका हूं। और उसके साथ ही जो भी आइटम्स हैं उनको उनके प्रॉपर प्रोसेस से यूज किया जाए। जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक N95 मास्क है, वह एक बार यूज करने के बाद 8 घंटे तक यूज किया जा सकता है। अब हम उसको 8 घंटे यूज करे बिना केवल एक बार एक पेशेंट को देखें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके दोबारा एक N95 मास्क यूज करें तो वह मिसयूज होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रैशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके साथ ही एक और अंश जो उस डिस्कशन में आया था वह ये था कि हमें यह समझना होगा कि HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर्स जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफर कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्रॉपर लेवल पर हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को HCQ की जरूरत है उतनी सफिशियंट क्वांटिटीज एज एंड व्हेन जब जरूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है।